गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ राइट इशू। कॉन्सेप्ट ऑफ राइट इशू, देखो क्या कहना चाहता है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। अगर हम कभी भी कोई प्रोजेक्ट फाइनेंस करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट हम शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें पैसे की जरूरत होती है। वो पैसा कहां से आएगा? दो ही ऑप्शन है, या तो आप नए शेयर इशू करोगे या फिर राइट इशू करोगे। नए शेयर अगर आप इशू करते हो तो उसमें नए मेंबर जुड़ते हैं, प्राइस पैसा तो आएगा ही आएगा। और जो नए शेयर अगर आप इशू करोगे वो पब्लिक को इशू करोगे, तो न्यू मेंबर आप ऐड करोगे, यानी शेयर होल्डर्स नए ऐड हो जाएंगे। तो नए शेयर होल्डर ऐड होने से क्या प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, कि जो पुराने शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी शेयर होल्डिंग कम हो जाती है, यानी उनका एक तरह से राइट थोड़ा सा कम हो जाता है कहीं ना कहीं, तो उनका जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाता है। मतलब होता है कि डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप ऑफ द एग्जिस्टिंग मेंबर, और कंपनी को भी नए शेयर इशू करने में अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह देनी पड़ती है। तो कंपनी ये चाहती है कि क्यों मैं एक अपनी एक तरह से मैनेजमेंट चेंज करूं, नए मेंबर क्यों ऐड करें हम, क्यों ना हम पुराने ही जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को बोलें कि भाई आप शेयर खरीद लो हमारे, तो आपकी शेयर होल्डिंग भी बरकरार रहेगी बल्कि बढ़ी जाएगी। क्यों नए लोगों को आप ऐड करते हो, क्यों आप अपना ऑनरशिप डाइल्यूट करते हो? ठीक है, तो जब हम पुराने शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करते हैं और फिर पैसा कलेक्ट करते हैं नए प्रोजेक्ट के लिए, तो वो कहलाएगा राइट इशू। तो हम उनको एक राइट देते हैं कि यू हैव द राइट टू परचेज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट देते हैं कि भाई आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, नहीं कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका अधिकार है ये, आप इस अधिकार को एक्टिवेट कर भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, किसी को बेच भी सकते हो, क्लियर पार्ट में। बट ये ध्यान रखना कि जब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कहती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, तो एक रेशियो में जिसके पास 10 है उसके पास 2, जिसके पास 5 है उसके पास 1, जिसके पास 4 है उसके पास 1, कि भाई आपके पास अगर 40 शेयर है तो आप 10 शेयर और खरीद सकते हो, और प्राइस हमेशा कम होगी मार्केट से। क्यों? अगर मार्केट प्राइस पे बेचेंगे तो वो कहेंगे यार आपने कौन सा एहसान कर दिया, तो मार्केट में भी इतने का मिल रहा है। तो हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कम प्राइस पर शेयर दिए जाते हैं, क्लियर पार्ट भी। और इसमें कंपनी का फायदा होता है कि खर्चे वगैरह नहीं होते हैं, और ऑनरशिप जो डाइल्यूट होने का डर होता है वो भी नहीं होता है, क्लियर के पार्ट। बट ये ध्यान रखना कि राइट इशू करने के बाद जो प्राइस होती है हमेशा वो डाउन हो जाती है, और जब हम पब्लिक इशू करते हैं, कोई नए शेयर बाजार में लाते हैं, तो मार्केट प्राइस पर लाते हैं और हमेशा प्राइस उतनी ही रहती है। राइट इशू में हमेशा प्राइस कम पर इशू करते हैं और बाद में जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो हमेशा कम हो जाती है। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, क्लियर पार्ट भी। चलो एक बार इतना लिख लें, तो हम ये कहते हैं न्यू प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस्ड, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई भी नया प्रोजेक्ट है उसमें पैसे की आवश्यकता होती है ना। वो पैसा कहां से आता है? इधर बाई इशू ऑफ न्यू शेयर, इशू ऑफ न्यू शेयर्स, या तो हम नए शेयर इशू करें, है ना, या फिर हम राइट इशू करें, इशू ऑफ राइट शेयर, इशू ऑफ राइट इशू, या फिर हम राइट इशू लेकर आए, ठीक है, दो चीजें होंगी। अब अगर आप नए शेयर इशू करते हो तो भी पैसा आएगा, राइट इशू करते हो तो भी पैसा आएगा, पैसा तो दोनों में आएगा, ठीक है। बट ये किसको इशू करेंगे हम? फॉर पब्लिक, तो इट विल ऐड न्यू शेयर होल्डर्स, इट विल ऐड न्यू शेयर होल्डर्स, ठीक है, राइट भाई। और इसके केस में कंपनी विल हैव टू इनकर, कंपनी विल हैव टू इनकर कमीशन एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन एटसेट्रा, अंडरराइटिंग कमीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। कंपनी विल हैव टू इनकर एक्सपेंसेस लाइक अंडरराइटिंग कमीशन, एडवर्टाइजमेंट, ओके। तो जब, और फिर
मार्केट प्राइस पर इश्यू करना पड़ेगा, इश्यू एट मार्केट प्राइस और मे बी हायर, ठीक है, मे बी हायर प्रीमियम पर इश्यू कर सकते हैं हम। क्लियर बात, कंपनी को खर्चा करना पड़ेगा, क्लियर हो कितनी बात। बट यहां पर अगर हम इश्यू करते हैं तो इस केस में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका ऑनरशिप डाइल्यूट होने का डर रहता है, डाइल्यूट द ऑनरशिप, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि पहले अगर मान लो भाई 25% शेयर था तो अब नए शेयर और आ जाएंगे तो टोटल तो 100% ही रहेगा ना, तो वो 25 से 20 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऑनरशिप डाइल्यूट हो जाती है। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना ये हम पब्लिक को इश्यू नहीं करते राइट इश्यू, ये किसको इश्यू करते हैं? टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इश्यू करते हैं हम। ओके, और ये हम हमेशा जब इश्यू करेंगे राइट इश्यू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को तो कोई ऐसा खर्चा नहीं होता, नो सच एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई ऐसा खर्चा नहीं होता एडवर्टाइजमेंट का। हमेशा इश्यू प्राइस कौन सी होती है? इश्यूड एट लोअर देन मार्केट प्राइस, क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कहेंगे मार्केट प्राइस पर इश्यू कर रहे हो तो हम बाजार से ले लेंगे, आप हमारे पर कौन सा एहसान कर रहे हो, है ना, ठीक है। हाँ जी, इसमें इसी को अवॉइड करते हैं कि भी हमारा ऑनरशिप डाइल्यूट ना हो। ओके, और पब्लिक इश्यू आने के बाद मार्केट प्राइस सेम रहती है, बट यहां पर आफ्टर राइट इश्यू, After right issue, है ना, the market price will become down, कम हो जाती है। ओके, और यहां पर हम ये कहेंगे कि existing shareholders का option है, कोई उसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम लो, नहीं, existing shareholders में, हाँ जी, वो क्या कर सकता है कि भाई वो शेयर खरीद सकता है, वो अपना अधिकार किसी को बेच सकता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, मे एक्सरसाइज हिज राइट, अपने अधिकार को एक्टिवेट कर सकता है और किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांसफर हिज राइट टू एनीबडी, अपने इस अधिकार को किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, नहीं, और डू नॉट डू एनीथिंग, कुछ ना करे, एलैप्स हो जाए, ठीक है, तो वो तीन में से कोई भी काम कर सकता है। तो हमारे पास ये देखना होगा कि वो इन तीनों में उसकी वेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इन दोनों में वेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें उसकी वेल्थ कम हो जाएगी, क्लियर पार्ट। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे क्लियरिटी आ जाएगी और, ठीक है बेटा, चलिए यहां तक नोट कर लो फटाफट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। सपोज वो ये कहता है कि करंट मार्केट प्राइस ठीक है, किसी भी शेयर की सपोज 1000 रुपए है। अब करंट मार्केट प्राइस को हम प्री राइट प्राइस भी कह सकते हैं, प्री राइट प्राइस, यहां तो सुनो वर्ड, प्री राइट प्राइस। ओके, राइट इश्यू से पहले का, ठीक है, या कम राइट प्राइस भी कह सकते हैं, तीन नाम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी 1000 रुपए में बिक रहा है, अब हमने राइट शेयर इशू किया, 1000 रुपए में तो हम देंगे नहीं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ले गए नहीं, कोई कहा इतने में तो बाजार में ले लूंगा, तुम कौन सा मेरे पर एहसान कर रहे हो। तो हम अगर मान लो उसको 800 रुपए में राइट शेयर इशू करते हैं,
तो उसको क्या बोलेंगे हम, राइट इशू प्राइस, इसे बोलेंगे राइट इशू प्राइस, राइट इशू प्राइस या स्ट्राइक प्राइस या फिर स्ट्राइक प्राइस। इतना समझ आ गया? ठीक है। और हमने क्या रेशियो में इशू करा? हाँ जी, रेशियो 1:4। सपोज जिसके पास चार शेयर हैं वो एक शेयर खरीद सकता है, जिसके पास चार शेयर हैं वो एक शेयर खरीद सकता है। ठीक है, चलिए। अब फर्स्ट पार्ट हमें कैलकुलेट करना है, अगर हमने शेयर परचेज कर लिया तो उसके बाद प्राइस क्या होगी। चलिए, अब देखो, हमारे शेयर की कीमत 1000 रुपये थी, कंपनी वालों ने हमें अधिकार दिया कि हम 800 रुपये में खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या कीमत होगी, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है भाई। क्या होती है प्राइस बेसिकली, अगर हम बात करें तो नेट, मतलब शेयर की वैल्यू क्या होती थी, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एक कॉन्सेप्चुअली फॉलो करें अगर हम, तो कोई फॉर्मूला ध्यान में ना रखें तो सिंपल सी बात है, वैल्यू क्या होती है, नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, है ना। अगर मैं ऐसे समझूं कि नेट एसेट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, यही तो होती है शेयर्स की वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना। इसी के हिसाब से अगर हम चलें तो देखो जरा ध्यान से, मेरे पास पहले अगर चार शेयर थे, मेरे पास पहले अगर चार शेयर्स थे, ठीक है, इनकी वैल्यू कितनी थी, 1000 रुपए के हिसाब से। ओके, अब मेरे पास चार की जगह, चार के साथ एक शेयर मैंने और ले लिया, पर वो शेयर मैंने 1000 रुपए में नहीं लिया, 800 रुपए में लिया, तो अब ये नेट एसेट्स वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू कितने शेयर की हो गई, 4 + 1 = 5, तो ये वैल्यू कहलाई एक्स राइट प्राइस। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करा, वेटेड एवरेज करा, है ना। हमने क्या करा, ये देखो 4000 + 800 / 5, तो 4800 / 5, 4800 / 5, ये हो गया 960 रुपये, ये हो गया 960 रुपये पर शेयर। तो अब जो शेयर की एक्स राइट प्राइस आई वो 960 आई, इसको हम वेटेड एवरेज भी कह देते हैं, इसको हम वेटेड एवरेज प्राइस भी कह देते हैं, वेटेड एवरेज प्राइस भी कह देते हैं। तो अगर फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा, 4 शेयर का मतलब क्या हुआ, हाँ जी, एग्जिस्टिंग शेयर, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, है ना, मल्टीप्लाई बाई 1000 रुपये। क्या है एग्जिस्टिंग प्राइस, 1000 रुपये क्या है एग्जिस्टिंग प्राइस, प्लस एक शेयर क्या है जो हमने राइट शेयर इशू करा, राइट शेयर, राइट शेयर, और 800 रुपये क्या है राइट इशू प्राइस, राइट शेयर मल्टीप्लाई बाई राइट प्राइस, ये तो हुआ, है ना, डिवाइडेड बाई, हाँ जी, पहले कितने शेयर थे हमारे पास और अब कितने शेयर हो गए, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर कितने थे मेरे पास और कितने राइट इश्यू हमने इश्यू करे, कितने राइट शेयर। ओके, ये फॉर्मूला बना हमारा। चल एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से, देखो स्टडी में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, एन क्या है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, पीओ क्या है एग्जिस्टिंग प्राइस, एस क्या है राइट शेयर इनटू राइट प्राइस, मतलब सब्सक्रिप्शन प्राइस जो प्रोजेक्ट फाइनेंस, एन क्या है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर और एन वन क्या है न्यू शेयर्स। ओके, एन क्या है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, वेटेड एवरेज प्राइस है बेसिकली, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर,
ओके, पीओ क्या है? हाँ जी, एग्जिस्टिंग प्राइस, एग्जिस्टिंग प्राइस, एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस। और एस क्या है? राइट शेयर मल्टीप्लाई बाय राइट प्राइस, मतलब सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितने रुपए हमें, प्रोजेक्ट फाइनेंस अमाउंट, मतलब प्रोजेक्ट फाइनेंस अमाउंट कह सकते हो, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट फाइनेंस अमाउंट, प्रोजेक्ट फाइनेंस अमाउंट, ओके, यानी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम राइट शेयर, ओके। एन वन क्या है? न्यू शेयर, राइट शेयर, ओके। चलो अब ध्यान से देखो, 960 रुपए हमारे एक शेयर की प्राइस आ गई। अब वो ध्यान से समझना जरा, सेकंड पार्ट बहुत इजी है। अब वो कहेगा वैल्यू ऑफ राइट, आगे पूछेगा वैल्यू ऑफ राइट यानी हक की कीमत, राइट का मतलब हक, अधिकार, राइट का मतलब आपका जो अधिकार है, आपको शेयर खरीदने का जो कंपनी ने अधिकार दिया है, आपको कंपनी ने जो शेयर खरीदने का अधिकार दिया है ना, हक दिया है, उसकी क्या कीमत है, व्हाट इज द वैल्यू, हक आपका जो हक है, आपका जो अधिकार है, उसकी कीमत क्या है। तो सिंपल सी बात है, आप ये कहोगे कि सर देखो ध्यान से, एक्स है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, है ना, इसको अधिकार मिला कि 800 रुपए में शेयर खरीद ले, नहीं, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर मैं ये अधिकार नहीं खरीदता, अगर मैं ये शेयर नहीं खरीदता मान लो, तो मैं ये अधिकार किसी को और भी ट्रांसफर कर सकता हूं। मान लो वाई को बोलते तू भाई ले, ले, ले मेरा अधिकार, जा तू ले ले मेरे नाम से शेयर, ठीक है। अब वाई अगर कंपनी के पास जाता है एक्स का ये अधिकार लेकर, तो वाई कंपनी वालों को तो 800 रुपए देगा ही देगा, वाई कंपनी वालों को तो 800 रुपए देगा ही देगा, तो एक्स थोड़ा ना फ्री में वाई को दे देगा। एक्स कहेगा मुझे भी तो कुछ पैसे दे अधिकार बेचने के, तो एक्स कहेगा देख आज बाजार में कीमत 960 रुपए है, आज बाजार में कीमत 960 रुपए हो गई, तो तुझे तो 800 रुपए में मिल रहा है बैठे बिठाए, तो फ्री फंड में थोड़ा ना मजे ले लेगा, 160 रुपए तू मुझे दे, ठीक है। यानी वाई को तो 960 रुपए में पड़ेगा जो बाजार में आज कीमत चल रही है, वाई विल पे 160 टू द एक्स एंड 800 टू द वाई, सॉरी 800 टू द कंपनी, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्या कहना चाह रहे हैं हम कि इफ, ध्यान से सुना एक्सप्लेनेशन, इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ट्रांसफर हिज राइट, ट्रांसफर हिज राइट टू एनी वन से वाई, वाई को ट्रांसफर करता है एज एग्जिस्टिंग शोल्डर, सपोज कर देते हैं एक्स, ठीक है, देन वाई जो बंदा है विल पे कितना, करंट मार्केट प्राइस कितना है आज का प्राइस एक्स थ्योरेटिकल 960 रुपए, विल पे 960, ठीक है, किसको, 800 टू द कंपनी, 800 टू द कंपनी, 800 टू द कंपनी और 160 टू एक्स, 800 रुपए तो कंपनी वालों को देगा और 160 रुपए एक्स को देगा, तो ये 160 क्या है एक्स के लिए, वैल्यू ऑफ राइट, हक की कीमत है ये, ठीक है बेटा। तो ये कैसे निकला, कैसे निकल के आया ये 160, ओके, ये इसकी एक्सप्लेनेशन, ये निकला बेसिकली, हाँ जी, 960 क्या है एक्स थ्योरेटिकल, एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस, है ना, 960 माइनस राइट प्राइस, माइनस राइट प्राइस, ये थ्योरेटिकल एक्स प्राइस एक ही बात है, ठीक है। 960 रुपए कीमत है और 800 रुपए एक्स राइट प्राइस, तो अब ये 160 रुपए हक की कीमत है। ध्यान से सुनना, अब क्या कह रहे हैं हम, ये क्यों मिला मुझे, क्योंकि मेरे पास चार शेयर थे, है ना, ये क्यों मिला मुझे, क्योंकि मेरे पास चार शेयर थे, हो गया क्लियर बेटा। वैल्यू ऑफ राइट हमारे पास हुआ 160 रुपए,
है ना, राइट इश्यू प्राइस कह लो इसको, एक ही बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मुझे 160 रुपए का जो हक है, मतलब जो मैं अपना अधिकार अगर किसी को ट्रांसफर भी करता हूं तो 160 रुपए लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास चार शेयर हेल्ड थे। ये क्यों मिल रहा है मेरे पास? क्योंकि मेरे पास चार शेयर थे, उस वजह से मुझे एक राइट शेयर खरीदने का अधिकार मिला है ना, यही तो हुआ। एग्जांपल में देखो ना, राइट शेयर का कितना आ रहा है, 1:4 इसका, जिसके पास चार शेयर होंगे उसको एक शेयर का अधिकार मिलेगा। तो ये 160 रुपए का अधिकार आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपके पास चार शेयर हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करें, ध्यान से सुना है ना, वैल्यू ऑफ राइट इज 160। क्यों? ठीक है, क्यों? जस्ट ड्यू टू हेल्ड फोर शेयर्स, क्योंकि मेरे पास चार शेयर थे इसलिए 160 रुपए का अधिकार है। तो अब हम कहेंगे, इन अदर वर्ड वी कैन से हम ये भी कह सकते हैं क्या कि भी चार शेयर की वजह से अधिकार की कीमत 160 रुपए है ना। तो वैल्यू ऑफ राइट, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर हेल्ड, क्या लिख रहा हूं मैं, पर शेयर हेल्ड ठीक है, 160 रुपए अधिकार की कीमत है क्योंकि मेरे पास चार शेयर थे। तो एक शेयर अगर होता, ठीक है, तो अधिकार की कीमत 40 रुपए होती, 40 रुपीज पर शेयर हेल्ड। ओके, बोलो, ये बात समझ में आ गई, ये कहना चाह रहे हैं। तो एक्स राइट प्राइस, और दूसरा क्या है मेरे पास, वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर हेल्ड, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब तीन चीज आती हैं, शेयर होल्डर की वेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम अपने अधिकार को एक्सरसाइज कर लेते हैं, अगर हम अपने अधिकार को ट्रांसफर करते हैं, और अगर हम अपने अधिकार को कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तब हम सेकंड पार्ट देखते हैं कि इफेक्ट ऑन द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है, इफ फर्स्ट ही एक्सरसाइज हिज ऑप्शन, मतलब अगर वो राइट शेयर अप्लाई कर देता है, ठीक है। सेकेंड, इफ ही ट्रांसफर हिज राइट, वो कह रहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे शेयर खरीदने नहीं है तो मैं अधिकार अपना बेच देता हूं, इफ ही ट्रांसफर हिज राइट, अपने अधिकारों को बेच देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं करता, ही कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, ही विल डू नथिंग, यानी उसका राइट एलैप्स हो जाता है, इट मींस राइट एलैप्स हो जाता है, नो एक्सरसाइज, ना तो वो शेयर अप्लाई करता ना वो अपने अधिकार को ट्रांसफर करता, ट्रांसफर मींस रेनाउंस कर देता है, ठीक है, मतलब नाइदर ही अप्लाइड फॉर राइट शेयर ना ही वो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर टू समबडी एल्स, क्लियर पार्ट। तो हमें देखना है वेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लो फटाफट जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए इसको हम ऐसे करते हैं, है ना, तीनों ऑप्शन मेरे पास हैं, ठीक है, इफेक्ट
ऑन वेल्थ. ओके, देखिए ए में जब वो नए शेयर के लिए राइट शेयर के लिए अप्लाई कर देता है, अपना अधिकार बेच देता है और कुछ भी नहीं करता. ठीक है, ए का मतलब क्या है, अप्लाइड फॉर न्यू शेयर्स, सॉरी अप्लाइड फॉर राइट शेयर, अप्लाइड फॉर राइट शेयर. जब वो राइट शेयर के लिए अप्लाई कर देता है, ओके, ही एक्सरसाइज हिज ऑप्शन, ही व्हेन ही ट्रांसफर हिज राइट, अपना अधिकार, ट्रांसफर हिज राइट, रेनाउंस. ठीक है, और सी में नथिंग, कुछ नहीं करता वो. चलिए प्रेजेंट वेल्थ देख लो सबसे पहले कितनी है उसकी. अच्छा मान के चलते हैं कंपनी के पास 1000 शेयर है. ठीक है, सेम लेट द कंपनी हैज 1000 शेयर, लेट द वही एग्जांपल ही तो चल रहा है, 1000 शेयर है. ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कंपनी के पास अभी 1000 शेयर है. ओके, और करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपए है, करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपए है और राइट इश्यू प्राइस 860 रुपए है. यहां लिख देता हूं, करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपए है, करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपए है और राइट इश्यू प्राइस 800 रुपए है. राइट इश्यू प्राइस 800 रुपए है ना, और एक्स राइट प्राइस कितनी आई मेरे पास, एक्स राइट प्राइस देखो कितनी आई, एक्स राइट प्राइस, हाँ जी कितनी आ रही है, 900, हाँ जी 60 रुपए है ना, 960 रुपए और वैल्यू ऑफ राइट 160 एंड वैल्यू ऑफ राइट 160 इनका डिफरेंस बेसिकली. भाई राइट इशू लाने के बाद बाजार में एक शेयर की कीमत 960 रुपए हो जाएगी जो अभी 1000 रुपए है, और पुराने शेयर होल्डर्स को हम यह अधिकार दे रहे हैं कि जिसके पास 4 शेयर हैं एक ले ले 800 रुपए में. ठीक है, ये हमारे पास डाटा है. आप देखो जल्दी से, तो सबसे पहले प्रेजेंट वेल्थ देख लो कितनी है आपके पास. बिल्कुल आसान है, प्रेजेंट वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर 1000 शेयर्स हैं कंपनी के पास, यानी जिन लोगों के पास 2 शेयर हैं, 5 शेयर हैं, 10 शेयर हैं, तो सबकी टोटल, तो कंपनी के 1000 शेयर हैं और प्रत्येक की वैल्यू 1000 रुपए है पर शेयर, है ना, तो इसका मतलब 3 और 5 10 लाख रुपए हो गई. ठीक है, यानी प्रेजेंट वेल्थ मेरी 10 लाख रुपए है, प्रेजेंट वेल्थ मेरी 10 लाख रुपए है. बोलो ये बात समझ आ गई, प्रेजेंट मेरे शेयर होल्डर्स की वेल्थ 10 लाख रुपए है. ठीक है, 1000 रुपए पर शेयर. चलो अब अगर अपने शेयर राइट अधिकार को अप्लाई कर देता है, यानी 250 शेयर खरीद लेता है, 250 शेयर वो खरीद लेता है, तो फाइनल वेल्थ क्या होगी. ठीक है, हाँ जी प्रेजेंट वेल्थ, अब फाइनल वेल्थ ए में देखो जरा, अगर वो राइट शेयर अप्लाई कर लेता है तो उसके पास कितने शेयर हो जाएंगे, 1250, है ना, एग्जिस्टिंग शेयर कितने थे उसके पास, 1000, राइट इशू मिल जाएंगे 250, तो शेयर्स कितने हो जाएंगे, 1250 शेयर्स हो जाएंगे. ये समझ आ गया. अब उनकी बाजार में कितनी कीमत है, हाँ जी 960 रुपए है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, कितनी 960 रुपए, तो ये उसकी वेल्थ हो गई. अब 250 शेयर क्या फ्री फंड में मिले, नहीं ना, है ना. ठीक है, तो पेमेंट कितनी करी उसने 250 शेयर के लिए, ठीक है, माइनस पेड पेमेंट फॉर राइट इश्यू, हाँ जी 250 शेयर उसको अधिकार मिला था कि मैं राइट शेयर खरीद सकता हूं, तो इसके लिए उसने, हाँ जी कितने रुपए दिए होंगे, 800 रुपए के हिसाब से दिए. ओके
चलिए तो उसकी वेल्थ कितनी हो गई देख लो, 1250 इंटू 960, 1250 उसके शेयर हो गए बाजार में 960 रुपए का है तो 12 लाख, ये हो गया 12 लाख। 250 शेयर खरीदने के लिए उसने 2 लाख रुपए दिए, 250 शेयर खरीदने के लिए उसने 2 लाख रुपए दिए तो नेट वेल्थ कितनी रह गई, 10 लाख। बोलो क्लियर, पहले वाली इसका मतलब नो चेंज। बोलो समझ आ गई, इफेक्ट कितना आया उसका, पहले भी 10 लाख थी अब भी 10 लाख, नो चेंज। चलो अब सेकंड पार्ट जल्दी, अगर उसने अपना अधिकार बेच दिया तो पहले 10 लाख थी, अब उसने अपना अधिकार बेच दिया, ठीक है भाई, तो अगर उसने अपना अधिकार बेच दिया तो वेल्थ पर कितना इफेक्ट पड़ेगा ये बताओ, ठीक है। हाँ जी, फाइनल वेल्थ कितनी आएगी बताओ जरा, 1000 शेयर अब उसके पास रहेंगे, फाइनल वेल्थ की बात कर रहा हूं मैं, फाइनल वेल्थ की बात कर रहा हूं। राइट शेयर अप्लाई करे नहीं तो अब शेयर 250 उसने नहीं करे तो उसके पास तो 1000 शेयर ही रहे, कितने के, 960 के, राइट शेयर के लिए अप्लाई करा ही नहीं, उसने अपना अधिकार किसी और को बेच दिया तो उसके पास तो 1000 शेयर ही रहे, बाजार में अब 960 रुपए का मिल रहा है तो अब 1000 शेयर की कीमत 960 रुपए हो गई, यानी 960000 प्लस अब उसने अधिकार बेचा है ना, तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम, हां जी, ट्रांसफर ऑफ राइट, हां जी, ट्रांसफर ऑफ राइट, अधिकार उसने बेच दिया ऑफ राइट शेयर, ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं, राइट शेयर का अधिकार, राइट शेयर का अधिकार बेचा है, राइट शेयर का अधिकार बेचा है तो कितने रुपए में, वैल्यू ऑफ राइट कितने आई थी, वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट 160 रुपए, वो 40 रुपए का कोई मतलब नहीं है, 160 रुपए आई थी ना क्योंकि मेरे पास 4 शेयर थे तो मैंने तो एक तरीके से उसको ये बोला ना कि भाई तू एक शेयर जाके ले ले कंपनी से, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं वर्ड, मैंने तो उसको बोला कि तू एक शेयर ले ले कंपनी से जाके, मैंने तो उसको ये बोला कि तू एक शेयर ले ले कंपनी से जाके, ठीक है, और कंपनी वालों को 800 रुपए दे दे, तू एक शेयर ले ले, मेरे पास 4 शेयर हैं, मुझे एक शेयर का अधिकार मिला, इस बात से तुझे क्या मतलब, तुझे तो एक शेयर का मैं अधिकार दे रहा हूं तो तुझे तो 800 रुपए कंपनी वालों को देने हैं, 160 रुपए मुझे देने हैं, वो मेरा मामला है कि मेरे पास क्योंकि 4 शेयर थे इसलिए 160 रुपए का मुझे फायदा हुआ, पर है तो 160 रुपए का वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर हेल्ड नहीं, एक शेयर बेचने का अधिकार, ठीक है, तो मैंने 160 रुपए कलेक्ट कर लिए, ध्यान से सुनो मैं क्या करूं, 160 रुपए मैंने कलेक्ट कर लिए, ठीक है, अधिकार बेचने के बदले, और कितने शेयर का अधिकार बेचा, 250 शेयर का, 250 शेयर का अधिकार बेचा, ठीक है, तो नेट वेल्थ कितनी रह गई चेक कर लो, 250 इंटू 160 40,000, तो 40,000 रुपए मेरे पास अधिकार बेच के आ गए, 960 मेरी कीमत, तो कितने हो गए टोटल मिला के, 10 लाख। यहां पर इसको सी लिख लो और इसको डी, तो सी प्लस डी, तो वेल्थ में क्या आया, नो इफेक्ट, पहले भी 10 लाख थी अब भी 10 लाख। बोलो समझ में आ गई, चलिए अगर मैं कुछ नहीं करता बैठे रहो तो अब पहले 10 लाख तो थी वेल्थ, अब क्या रहेगी फाइनल वेल्थ, अब क्या रहेगी आपकी, अब आपके पास शेयर्स तो 1000 ही रहेंगे क्योंकि आपने राइट शेयर, क्योंकि आपने राइट शेयर का अधिकार लिया ही नहीं तो बाजार में कीमत 960, तो 960,000। अब कैश आपने कलेक्ट किया ही नहीं क्योंकि अधिकार भी नहीं बेचा ना नए शेयर लिए, तो इसका मतलब कुछ हुआ ही नहीं ना,
तो आपकी वेल्थ तो सीधी सीधे 9,60,000 हो गई। इसका मतलब आपकी वेल्थ में 40,000 रुपए की कमी आई, है ना? यही तो लो वेल्थ बाय 40,000। तो अगर राइट इश्यू का अधिकार हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी वेल्थ कम हो जाती है। बोलो समझ आ गई बेटा? चलिए ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट है राइट इश्यू का, नोट कर लो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर आ जाए 72, मिल गया। द स्टॉक ऑफ, पढ़ते हैं इसको, द स्टॉक ऑफ सोनी पीएलसी सेलिंग फॉर 50 पाउंड पर कॉमन स्टॉक। ये कहता है कि सोनी कंपनी का शेयर बिक रहा है इतने प्राइस पर, तो ये करंट मार्केट प्राइस हो गई 50 पाउंड, करंट मार्केट प्राइस है। द कंपनी देन इशू राइट टू सब्सक्राइब टू 1 new share फॉर ईच 5 right held। जिसके पास 5 share हैं उसको 1 right share खरीदने का अधिकार है। कितने रुपए में? 40 pound में। तो ये 40 pound क्या है? यानी राइट शेयर इशू करने पर इतने पैसे देने पड़ेंगे, राइट इशू प्राइस, प्री राइट इशू प्राइस। क्या पूछ रहा आपसे? व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट व्हेन द स्टॉक इज सेलिंग राइट ऑन। व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ 1 share व्हेन द स्टॉक गोज एक्स राइट। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ 1 share व्हेन द इट गोज एक्स राइट, यानी एक्स राइट प्राइस पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, इसमें वैल्यू ऑफ राइट। ठीक है, तो पहले ये कर लेते हैं हम। देखो हमारे पास शेयर्स कितने हैं नहीं मालूम, ठीक है, हमारे पास शेयर्स कितने हैं वो नहीं दिया हुआ। चलो फटाफट हाँ जी करें। तो सबसे पहले क्या कह रहा है वो, करंट मार्केट प्राइस, बेसिक डाटा, करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस क्या है? आज बाजार में शेयर कितने में बिक रहा है? आज बाजार में शेयर बिक रहा है 50 pound में, बिल्कुल ठीक है। चलिए राइट शेयर कितने में देंगे हम आपको, इसको बोलते हैं प्री राइट इशू प्राइस, राइट इशू प्राइस 40 pound में। यानी आपको राइट शेयर देंगे 40 pound दे दो, राइट शेयर दे देंगे। जिसके पास 5 share हैं उसको 1 share देंगे हम प्री राइट। बोलो क्लियर? अब आपसे पूछ रहा है, हाँ जी, अब आपसे पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ 1 share ऑफ स्टॉक व्हेन इट गोज ऑन एक्स राइट। तो पहले सेकंड का आंसर दे दें हम, ठीक है, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज फॉर्मूला लगा ही देना, आपको फॉर्मूला बनाई रखा है, एग्जिस्टिंग शेयर इनटू एग्जिस्टिंग प्राइस, एग्जिस्टिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय एग्जिस्टिंग प्राइस, प्लस राइट शेयर इंटू राइट प्राइस, यानी नए प्रोजेक्ट की कीमत भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट शेयर,
बताओ, अगर मेरे पास 5 शेयर हैं, अगर मेरे पास पहले से ही 5 शेयर हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है? 50 पाउंड। अगर मेरे पास 5 शेयर हैं पहले से ही, 50 पाउंड के हिसाब से है, 5 को 1 राइट शेयर देंगे, 1 शेयर कितने में? 40 पाउंड लेकर टोटल कितने शेयर हो जाएंगे? बोलो, समझ आ गई बात? में वेटेड एवरेज तो 250 और 40 कितने होते हैं? 290 डिवाइडेड बाय 6, 48.33, ये आ गया 48.33। इसको बोलोगे एक्स राइट प्राइस, ठीक है? यानी राइट शेयर इश्यू करने के बाद बाजार में इतने रुपए की कीमत हो जाएगी आपके शेयर की। तो वैल्यू ऑफ राइट क्या होगा? वैल्यू ऑफ राइट का मतलब होता है आप अपना हक अधिकार कितने रुपए में बेचना चाहोगे। तो आप कहोगे कि भैया देख, बाजार में मिल रहा है इतने रुपए में शेयर राइट शेयर इशू करने के बाद, है ना? और अगर आप राइट शेयर लोगे तो कंपनी वाले को 40 पाउंड दोगे। 40 पाउंड देकर आप एक शेयर लोगे जिसकी कीमत इतने है। 40 पाउंड देकर कंपनी वालों को 40 पाउंड देकर एक शेयर ले लोगे जिसकी कीमत इतने रुपए है, तो मुझे डिफरेंस मुझे दे दो ना, वो वैल्यू ऑफ राइट कहलाता है, वो वैल्यू ऑफ राइट कहलाता है, है ना? ठीक है, ये वैल्यू ऑफ राइट कहलाया। एक्स राइट प्राइस, एक्स राइट प्राइस माइनस राइट इश्यू प्राइस, ठीक है? ये क्यों है वैल्यू ऑफ राइट? क्योंकि मेरे पास 5 शेयर हैं, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर हेल्ड, बोलो क्लियर है पांड बेटा? चलिए, कोई डाउट? ये आ गया 8.33 डिवाइडेड बाय 5, 1.66, ठीक है? यहां तक क्लियर हो गया? बोलो। चलिए तीसरा पार्ट देखो क्या कहता है। तीसरा, व्हाट इज द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ राइट व्हेन द स्टॉक सेल्स एक्स राइट एट 50 पाउंड। ध्यान से पढ़ना। अगर इसका मतलब है व्हेन, जब स्टॉक बिकता है एक्स राइट, यानी राइट शेयर इशू करने के बाद, राइट शेयर इशू करने के बाद अगर ये इतने में बिके, यानी ये एक्स राइट प्राइस हो गई, यानी ये थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस के जगह अब ये हो गया, यानी राइट शेयर इशू करने के बाद अगर बाजार में इतने का बिके, ठीक है, तो थ्योरेटिकल वैल्यू अपना अधिकार कितने में बेचोगे? 10 रुपए में। भाई आपको होगा ना, कंपनी वालों को तो राइट शेयर के लिए 40 रुपए देना है, जिसकी बाजार में कीमत 50 है, मुझे 10 दे दो, मुझे 10 दे दो। नहीं भाई, तो वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट का मतलब होता है अधिकार, हक जो आपको मिला है कि राइट शेयर खरीदने का, वो अगर बेचोगे तो कितना पैसा लेना चाहोगे? तो आप कहोगे बाजार में कीमत 50 पाउंड है आज, है ना, वो पुराने वाली नहीं, नई वाली, और कंपनी को 40 पाउंड देकर आपको शेयर मिल जाएगा, तो मुझे भैया 10 पाउंड दे दो, ठीक है, है ना? एक्स, आप थ्योरेटिकल नहीं लिख रहा, बस एक्स राइट प्राइस एज पर क्वेश्चन, एक्स राइट प्राइस एज पर क्वेश्चन, एज पर थर्ड पार्ट माइनस राइट इश्यू प्राइस। बोलो, समझ में आ गया? ये क्यों मिल रहा है आपको वैल्यू ऑफ राइट? क्योंकि आपके पास 5 शेयर हैं, तो 1 पर 2 रुपए, पर शेयर हेल्ड। बोलो क्लियर है? चलो आप नोट कर लो फटाफट इसको। चलिए बेटा, फोर्थ पर आ जाओ। ध्यान से पढ़ना, बहुत आसान है, ठीक है?
जॉन स्पेक्यूलेटर, स्पेक्यूलेटर, स्पेक्यूलेटर मतलब जो अभी डेरिवेटिव्स में आगे पढ़ेंगे हम, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, हम आगे पैसा लगाते हैं, ठीक है, स्पेक्यूलेटर होते हैं ना, कि भी जैसे मैच में पैसा लगाते हैं प्रैक्टिकली, ये जीतेगा ये हारेगा, ठीक है, तो वो स्पेक्यूलेटर मतलब, अभी डेरिवेटिव्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा। हम शेयर्स नहीं खरीदते, हम बस ये खरीदने बेचने का अधिकार ले लेते हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग द शेयर एंड सेलिंग द शेयर वी परचेज द राइट टू परचेज एंड सेल, वो वाली बात करेंगे। उसके पास 1000 पाउंड है, हम अभी रुपयों में बात करते हैं पाउंड को, हमारे पास 1000 रुपए हैं एट द टाइम, एक एक वर्ड को, सोनी पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी गोज एक्स राइट एट 50 रुपीज पर कॉमन स्टॉक, आगे बात समझ में, एक्स राइट प्राइस कितने कह रहा है 50, यानी तीसरे की बात कर रहा है वो कहता है कंपनी में ना राइट शेयर इशू करने के बाद जो बाजार में कीमत है वो 50 रुपए हो जाती है, क्लियर पार्ट, राइट शेयर इशू करने के बाद 50 रुपए हो जाती है कीमत, ही फील्स दैट द प्राइस ऑफ द स्टॉक, वो अनुभव करता है, उसकी तीसरी इंद्री थर्ड आईज अंदाजा दिमाग में कहता है ना, मुझे इंट्यूशन हो जाता है क्योंकि स्पेकुलेटर है, द प्राइस ऑफ द स्टॉक विल रेज टू 60 रुपीज बाय द टाइम द राइट एक्सपायर। इस लाइन का मतलब ध्यान से सुनो, अभी जब राइट शेयर इशू करा, इस लाइन से क्या समझ आ रहा है, राइट शेयर कंपनी ने अनाउंस किया, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि भाई एक्स राइट प्राइस 50 रुपए होगी कैलकुलेशन के तौर पर वेटेड एवरेज, पर उसको लगता है, ही फील्स कि नहीं 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 नहीं, जब ये राइट इशू का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, आज उसने राइट शेयर इशू करा, ठीक है, आज उसने राइट कंपनी ने राइट शेयर इशू कर दिया, अनाउंस कर दिया, तो थ्योरिटिकल एक्स राइट प्राइस आ गई 50 रुपए, उसको लग रहा है कि ये एक महीने का प्रोसेस है, कि जिस दिन एक महीने बाद 10 दिन बाद, ठीक है, जब ये एक्सपायर हो जाएगा कि भाई अब हमारा राइट इशू का प्रोसेस खत्म, अब कोई भी राइट इशू अप्लाई करेगा तो हम नहीं देंगे क्योंकि एक महीने का टाइम था, 15 दिन का टाइम था, तो भैया उस दिन ना इस कंपनी के ये कीमत 60 रुपए हो जाएगी, ऐसा उसको लगता है, फील्स अनुभव करता है, ठीक है, जिस दिन राइट शेयर का प्रोसेस एक्सपायर हो जाएगा, चलो ठीक है, बाय द टाइम का मतलब एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, कंप्यूट हिज रिटर्न ऑन हिज 1000 रुपए, अब वो 1000 रुपए ऐसे गेम खेलना चाह रहा है, इफ ही बाई सोनी पीएलसी स्टॉक एट 50, पहला तो यह कि 1000 रुपए स्टॉक खरीदने में लगा दे, सिंपल सी बात है, मतलब पहला पार्ट क्या है, वो कितने कमाएगा, अगर 1000 रुपए वो 1000 रुपए में क्या करे, स्टॉक खरीद ले, 1000 रुपए में स्टॉक खरीद ले, वो कौन है बंदा, स्पेक्यूलेटर है जॉन, ये एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर नहीं है, ये एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स नहीं है, कोई एक स्पेक्यूलेटर है, ठीक है, उसके पास 1000 रुपए हैं, वो जुआ खेलना चाहता है, वो कहता है कि अगर वो 50 रुपए में बाजार में मिल रहा है शेयर, क्योंकि कंपनी ने राइट शेयर इशू करा है, ले लो भाई ले लो, वो कहता है अगर वो 1000 रुपए में 50 रुपए के हिसाब से शेयर खरीद ले और रिटर्न चाहिए, रिटर्न चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो, इसका मतलब इंप्लाइड मीनिंग है कि जब जब राइट एक्सपायर हो जाए तो बेच दे, यानी 50 रुपए में खरीदे और 60 रुपए में बेच दे, कितने शेयर, 1000 रुपए में जितने आएंगे, 50 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए में 200 शेयर तो आएंगे, तो रिटर्न कितनी होगी, सीधी सी पता है, 50 में खरीदा 60 में बेचा, 10 रुपए का फायदा 50 रुपए पर 20% रिटर्न, बोलो बात समझ में आ गई, कोई डाउट हो रहा है, सर बेचने की बात कहां लिखी है, रिटर्न है ना, रिटर्न तो तभी आएगी जब बेचेगा, रिटर्न तो तभी आएगी जब बेचेगा, बगैर बेचे कैसे रिटर्न आ जाएगी बताओ, ठीक होगी, उसकी रिटर्न बताओ 1000 रुपए पर, अगर वह
खरीदता है स्टॉक खरीद ले, यानी शेयर्स खरीद ले 50 रुपए पर, और अब ये तो अंडरस्टूड है कि जब राइट एक्सरसाइज हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगा, तो 60 रुपए हो जाएंगे कंपनी के शेयर की कीमत। तो 50 में खरीदे, 60 में बेच दे, 10 रुपए कमाए, 50 में खरीदे, 60 में बेचे, 10 रुपए कमाए, ठीक बात है, 1000 रुपए लगाकर। इज दैट क्लियर? चलो दूसरा ऑप्शन था जिसमें बाई द राइट, एक एक वर्ड को, अधिकार खरीदे, शेयर नहीं खरीदे, है ना, सिर्फ अधिकार खरीदे, ठीक है, एज द प्राइस कंप्यूटेड इन पार्ट सी। ये पार्ट सी का मतलब ए बी सी, थर्ड पार्ट सी को मैं थर्ड कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी यानी जो प्राइस इसमें है वैल्यू ऑफ राइट, तीसरे में क्या आ रही है वैल्यू ऑफ राइट, देखो जरा एक मिनट, तीसरे में वैल्यू ऑफ राइट 2 रुपए, यानी एक हक अगर मैं खरीदूंगा, एक एक शेयर को खरीदने का अधिकार अगर मैं किसी से लूंगा तो वो 2 रुपए में। भाई मैंने मान लो रामलाल से कहा कि ला मुझे तू अधिकार दे दे, है ना, मुझे अधिकार दे दे, मैं तेरे बिहाफ पर कंपनी से शेयर खरीद लूंगा, एक शेयर खरीदने का अधिकार वो कितने में देगा मुझे, 2 रुपए में देगा, वो 2 रुपए में देगा, क्योंकि पार्ट थर्ड में 50 रुपए पर जब बाजार में कीमत है तो अधिकार की कीमत एक शेयर पर 2 रुपए है ना, ठीक है। तो अगर मैं अधिकार खरीद लूं, है ना, और फिर रिटर्न चाहिए तो बेचूं अधिकार को, तो जब 60 रुपए हो जाएगा, जब 60 रुपए हो जाएगी कीमत तो अधिकार भी बदल जाएगा, समझ रहे हो बात को, जब 60 रुपए हो जाएगी तो उसका राइट भी बदल जाएगा। तो जिस समय 60 रुपए हो जाएगी कीमत, उससे जस्ट पहले, अब ये यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर जब 60 रुपए हो जाएगी तब तो अधिकार एक्सपायर हो जाएगा, उससे जस्ट पहले, तो ये मान के चलेंगे तब 60 रुपए होगी, यानी आज खरीद लें हम अधिकार और 60 रुपए जब हो जाए तब अधिकार बेच दे, नहीं तो जब 60 रुपए हो जाएगा तब कितने में बिकेगा अधिकार, उससे जस्ट पहले, जब 60 रुपए हो जाएगा, नहीं भाई मार्केट प्राइस, ठीक है, एक्स राइट प्राइस माइनस राइट प्राइस कितना है, राइट प्राइस, राइट इशू प्राइस तो 40 ही है, राइट इशू प्राइस तो 40 ही है, बाय वर्च्यू ऑफ 5 कितना, 4 रुपए, इसका मतलब 2 रुपए में राइट खरीद लो और 4 रुपए में राइट बेच दो जब 60 रुपए कीमत हो जाएगी तो, 1000 रुपए लगाकर, यानी 2 रुपए लगाकर 2 रुपए कमाओ, 100% सेकेंड ऑप्शन ज्यादा बेटर है ना, ये कह रहा है बस, वो इतनी सी बात है, बोलो बात समझ में आ गई, चलो कर लेते हैं। देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या कहना है, फोर्थ पार्ट में ध्यान से पढ़ना, हमारे पास कितने पैसे हैं, हाँ जी, जॉन हैज, हाँ जी, 1000 पाउंड, 1000 रुपए उसके पास हैं, ठीक है, ही हैज टू ऑप्शन, ही हैज टू ऑप्शन, या तो शेयर खरीद ले या शेयर राइट शेयर एक्सरसाइज कर लो, या तो वो शेयर खरीदे और फिर बेचे, या फिर हक खरीद के बेचे, है ना, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ही कैन परचेज, ही कैन परचेज स्टॉक, वो शेयर खरीद ले, कितने में शेयर खरीद ले, कितने में शेयर खरीद ले, हाँ जी, ही बाइज सोनी पीएलसी स्टॉक एट 50 पाउंड, 50 में खरीद ले आज, है ना, ही कैन परचेज स्टॉक एट 50 पाउंड एंड सेल और बेच दे एट 60 में बेच दे, जिससे मैं राइट एक्सपायर होने वाला होगा, उसे जस्ट पहले बेच दे, ठीक है, तो कितने कितने का फायदा होगा, हाँ जी, कितना शेयर खरीद लेगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी परचेस्ड, कितने शेयर खरीद लेगा वो,
हाँ जी, 1000 रुपए में 50 रुपए की बाजार कीमत है, ओके, ये पाउंड, तो वो 200 शेयर खरीद लेगा, वो 200 शेयर खरीद लेगा, वो कितने शेयर खरीद लेगा, 200, ठीक है, 50 रुपए के हिसाब से, ठीक है, राइट भाई, बेच कितने में देगा, बेचेगा कितने में, 60 रुपए में, चलो अब फायदा देख लो उसको, रिटर्न, सेल कंसीडरेशन, सेल कंसीडरेशन, हाँ जी, 200 शेयर वो बेचेगा, सर बेचने का नहीं लिखा हुआ, रिटर्न है ना, रिटर्न तो तभी आएगा जब बेचेगा, कितने में बेचेगा वो, हाँ जी 60 में, जब बाजार में कीमत बढ़ जाएगी, परचेज कॉस्ट, हजार रुपए तो लगाए थे उसने, 200 शेयर, ठीक है, तो रिटर्न कितनी आ गई, रिटर्न तो बेचेगा तभी आती है ना, कितनी, 200 रुपए, 1000 रुपए लगाकर, 1000 रुपए लगाकर, 1000 रुपए लगाकर, ठीक है, तो 200 रुपए की रिटर्न आ गई 1000 रुपए लगाकर, इसका मतलब 20% कमा रहा है वो, बोलो समझ में आ गई, पहला ऑप्शन है कि वो स्टॉक खरीदे, 50 रुपए में खरीदे, 60 रुपए में बेच दे जब बढ़ जाए, क्योंकि उसको लगता है कि जब बाय द टाइम राइट एक्सपायर तो 60 रुपए हो जाएगी, तो स्पेकुलेटर का तो मतलब ही होता है ना कि जब बढ़े तब बेच दे, स्पेकुलेटर वर्ड सही समझ आ रहा है, यही सब कुछ लिखा हुआ है इसी में, लिखा हुआ है स्पेकुलेटर का मतलब यह है कि जब बढ़े तब बेच दे, तभी तो रिटर्न आएगी, तो अलग से नहीं लिखेगा बेचा है, समझ में आ गई, चलिए सेकंड पार्ट ध्यान से पढ़ना, अगर वो अधिकार खरीद ले, जॉन कोई शेयर होल्डर नहीं है, वो एक बंदा है, वो बस किसी से अधिकार खरीद ले, एज द प्राइस, जब प्राइस क्या हो, कंप्यूटेड इन पार्ट सी थर्ड, यानी इसमें, इसमें राइट कितने का है, इसमें अधिकार 2 रुपए का है, है ना, इसमें एक अधिकार अगर मैं खरीदूंगा तो 2 रुपए का मिलेगा, ठीक है भाई, अधिकार खरीद के बेच दे, सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सिंपल है, हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, स्टॉक खरीदे और बेचे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, बाई स्टॉक एंड सेल, ठीक है भाई, सेल के लिए नहीं लिखा हुआ पर स्पेकुलेटर है और रिटर्न चाहिए, चलिए इसमें, इसमें क्या है, बाय राइट अधिकार खरीद ले, फिर अधिकार बेच दे जब शेयर की कीमत बढ़ जाए, सेल का लिखा है क्योंकि स्पेकुलेटर है और रिटर्न चाहिए, चलो तो कितना अधिकार करे, और ये अधिकार कब खरीदेगा, जब प्राइस 50 रुपए हो, है ना, बाय राइट, ठीक है, व्हेन एक्स प्राइस, एक्स राइट प्राइस कितना हो, 50 पाउंड हो, और सेल राइट अधिकार बेच दे, व्हेन एक्स प्राइस कितना हो जाए, 60 पाउंड, ये नहीं लिखा हुआ सर जी क्वेश्चन में साफ साफ तौर पर भाई रिटर्न और स्पेकुलेटर है तो जब प्राइस बढ़ेगा तभी तो बेचेगा, अब खरीदेगा क्या, केवल अधिकार खरीदेगा, ठीक है, अधिकार कितने में मिलेगा उसको, 2 रुपए में, एट द रेट ऑफ 2 पाउंड, और बेचेगा कितने में, अधिकार की वैल्यू, वैल्यू ऑफ राइट कितना हो जाएगा, ये आप निकाल लो एक मिनट, वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट कितनी होगी, व्हेन मार्केट प्राइस बिकम्स 60 पाउंड, जब बाजार में 60 पाउंड हो जाएगी तब राइट की कीमत कितनी हो जाएगी, क्या कहेंगे हम,
बाजार में 60 पाउंड चल रहा है ना, एक्स राइट प्राइस और राइट इश्यू प्राइस 40 है भाई, कंपनी वालों को 40 रुपए देने हैं तो शेयर मिल जाएगा और मार्केट वैल्यू 60 है, यानी एक्स राइट प्राइस माइनस राइट इश्यू प्राइस, देखो ध्यान से 40 ही है ना, राइट इश्यू प्राइस तो 40 ही है मेरे भाई, राइट इश्यू प्राइस तो 40 ही है ना, बाजार में अगर 60 रुपए में बिकने लगेगा तो 20 रुपए वैल्यू ऑफ राइट हो जाएगी ना, बाय वर्च्यू ऑफ 5 शेयर हेल्ड, तो एक शेयर की राइट 4 रुपए हो जाएगी। बोलो बिल्कुल क्लियर है, तो इसका मतलब 2 रुपए में खरीद कर अधिकार को 4 रुपए में बेचेंगे, डबल फायदा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो 1000 रुपए में कितने हक खरीदेंगे वो ले लो, या 2 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेचो, 2 रुपए का फायदा 100%, जैसे मर्जी खरीदो, जैसे मर्जी कर लो, नंबर ऑफ राइट परचेज। बोलो हाँ जी, कितने अधिकार खरीदोगे 1000 पाउंड में 2 रुपए के हिसाब से, 500 राइट खरीद लोगे, यानी 500 शेयर खरीदने का अधिकार ले लोगे 1000 रुपए में, है ना, ठीक है। और कितना, और जब बेचोगे तो कितना पैसा आएगा, कितना आएगा, 500 राइट बेचो, 500 राइट आप बेचो किस रेट से, $4 पर राइट, तो 2000 रुपए आ जाएंगे। इन्वेस्ट कितने करे थे, 1000 रुपए, 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 2000 रुपए मिले, तो गेन कितने का हुआ, 1000 रुपए का, परसेंटेज 1000 रुपए का फायदा, 1000 रुपए लगाकर, वाह भाई वाह, क्या स्पेकुलेशन है, नहीं भाई, तो सेकंड ऑप्शन बेटर है, इसको लेवरेज बोलते हैं हम, है ना, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज बेटर, ठीक है, एज कंपेयर टू फर्स्ट। बोलो समझ आ के बाद में, यानी परचेज राइट एंड सेल इज बेटर देन परचेज स्टॉक एंड सेल, ठीक है, इट मींस परचेज राइट एंड सेल इज बेटर देन परचेज स्टॉक एंड सेल। बोलो समझ में आ गई बात, चलो नोट कर लो फटाफट से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाओ, क्या कहते हैं, बी लाइन लिमिटेड है 7000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 मिल गया ना, ये कह रहा है हमारे पास 7000 शेयर हैं ₹100 का, दीज शेयर्स आर करंटली ट्रेड ₹500 पर शेयर इन द मार्केट, मतलब ये वाले शेयर बाजार में ₹500 पे बिक रहे हैं मार्केट वैल्यू, द कंपनी हैज बीन पेइंग डिविडेंड 75 रुपए पर शेयर फॉर सेवरल ईयर, कई सालों से 75 रुपए का डिविडेंड देते आ रहे हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट
सेम डिविडेंड वुड कंटिन्यू टू बी पेड इन फ्यूचर, मतलब 75 रुपए में कोई ग्रोथ नहीं है, देते आ रहे हैं और देते रहेंगे। चलो, कंपनी इज इवेल्युएटिंग ए न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 4 लाख। अब एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें 4 लाख रुपए लगेंगे, विच इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश फ्लो 95,000 पर एनम टिल प्रिपेचुटी। मतलब एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें 4 लाख रुपए की लागत आएगी और वो इतने रुपए कमा के देगा प्रति वर्ष हर साल अप टू प्रिपेचुटी, एज्यूमिंग दैट द फंड्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट आर रेस्ड बाय राइट इशू 1:7। जिसके पास 7 शेयर है उसको बोल दिया एक शेयर खरीदने का अधिकार आप रखते हो, ठीक है, और वो शेयर हम 4 लाख रुपए वो शेयर इशू करके 4 लाख रुपए इकट्ठा करेंगे। अब ये नहीं बता रहा ना एक शेयर कितने में इशू करेंगे, तो सिंपल सी बात है मेरे पास कितने शेयर हैं, 7,000, तो 7 वाले को एक यानी 1,000 शेयर इशू करोगे, 1,000 शेयर राइट इशू करोगे, है ना, और 4 लाख रुपए चाहिए तो 400 रुपए में इशू करोगे राइट शेयर। द कंपनी वुड कंटिन्यू टू फॉलो 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो, क्या मतलब है ध्यान से पढ़ो, कंपनी वुड कंटिन्यू इसका मतलब जो 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो की पॉलिसी है वो कंटिन्यू रखेंगे, यानी पहले भी यही है इसका मतलब इसका मतलब जो डिविडेंड पे कर रहे हैं 75 रुपए का वही मेरी अर्निंग है अभी, इसका मतलब वही मेरी अभी अर्निंग है। चलिए फाइंड आउट नया डिविडेंड कितना आएगा, नया मार्केट प्राइस क्या होगी और शेयर होल्डर्स की वेल्थ में कितना आएगा ओवरऑल गेन। तो सबसे पहले न्यू डिविडेंड पर शेयर निकाल लो, सबसे पहले न्यू डिविडेंड पर शेयर निकाल लो, सबसे पहले न्यू डिविडेंड पर शेयर निकाल लो, कैसे न्यू डिविडेंड पर शेयर, हाँ जी बिल्कुल सिंपल है, न्यू डिविडेंड पर शेयर न्यू डिविडेंड प्रति शेयर, ठीक है, कैसे निकालोगे, पहले कितने पैसे कमा रहे हो वो सारा बांटोगे, ठीक है, और अब कितने कमाओगे और कितने शेयरों पर, सिंपल सी बात है, टोटल अर्निंग, टोटल न्यू अर्निंग, टोटल न्यू अर्निंग, क्योंकि डीपीएस 100% है ना, तो अर्निंग कह दो या डिविडेंड बात तो एक ही है, डिवाइडेड बाय टोटल न्यू शेयर, सब कुछ नया, सब कुछ नया, चलो न्यू अर्निंग कितनी होगी, एग्जिस्टिंग अर्निंग कितनी है मेरे पास, एग्जिस्टिंग अर्निंग, हाँ जी एग्जिस्टिंग अर्निंग देखो कितनी है मेरे पास, हमारे पास 7,000 शेयर है और 75 रुपए डिविडेंड बांट रहे हैं, तो भाई जो डिविडेंड बांट रहे हैं ना वही मेरी अर्निंग है, क्योंकि डीपीएस 100% है, डीपीएस 100% है, मेरी बात समझ में आ रही है, तो 7,000 शेयर पर 75 रुपए का डिविडेंड बांट रहे हैं तो यही मेरी अर्निंग है, क्योंकि डीपीएस डिविडेंड पर शेयर अभी डिविडेंड पे आउट रेशियो सॉरी 100% है, डिविडेंड पे आउट रेशियो अभी 100% है, ठीक है, तो कितना हो गया यही आया, एक मिनट, 7,000 × 75, 7,000 × 75 5,25,000, इतने रुपए हम डिविडेंड बांट रहे हैं यही हम कमा रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है, और न्यू अर्निंग क्या होगी नए प्रोजेक्ट से, फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट, हाँ जी कितनी कह रहा है वो नए प्रोजेक्ट से कितने कमाओगे, 95,000 रुपए, कितने कमाओगे 95,000, चलो तो टोटल कमाओगे 6,20,000 कमाओगे अब आप, और यही सारे डिविडेंड बांटोगे, ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं मेरे पास, सात हजार
1:7 के राइट शेयर करोगे इशू? हाँ जी, तो राइट शेयर कितने इशू करेंगे हम? 1000। तो मेरे पास शेयर्स हो जाएंगे 8000, है ना? तो न्यू डिविडेंड कितना आ जाएगा पर शेयर? बोलो, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय न्यू शेयर्स, 6,20,000 डिवाइडेड बाय न्यू शेयर डिवाइडेड बाय 8000। तो 77 रुपए 50 पैसे आप एक डिविडेंड, 77 रुपए 50 पैसे आप एक शेयर पर डिविडेंड दोगे। बोलो क्लियर पार्ट? 77 रुपए 50 पैसे एक शेयर पर डिविडेंड दोगे। चलिए सेकंड क्या कह रहा है? हाँ जी, सेकंड क्या मांग रहा है आपसे? वो न्यू मार्केट प्राइस वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू क्या होगी पर शेयर? अब मार्केट वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए? हाँ जी, आपको 75 रुपए का डिविडेंड हर बार मिलता रहेगा, सॉरी 77 रुपए 50 पैसे का। पहले 75 रुपए का दे रहे थे और 77 रुपए 50 पैसे का दोगे, क्योंकि नया प्रोजेक्ट आ गया और ये फ्यूचर में हर बार। तो मार्केट प्राइस कैसे निकालते हो? अगर डिविडेंड सेम हो, नो ग्रोथ, नो ग्रोथ, तो डिविडेंड डिवाइड बाई के ई, तो पहले के ई चाहिए आपको। के ई तो जो एग्जिस्टिंग है वही नहीं रहेगी। एग्जिस्टिंग के ई क्या है? डिविडेंड भले ही बदल रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है? हम क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो, डिविडेंड कितना दे रहे थे पहले? पहले डिविडेंड दे रहे थे आप, पहले डिविडेंड दे रहे थे आप 75 रुपए का, पहले डिविडेंड दे रहे थे 75 रुपए का, और अब दे रहे हो 77 रुपए 50 पैसे का, है ना? तो मार्केट प्राइस निकालना है। तो जो केई मेरा यहां पर होगा वही केई यहां पर होगा, केई थोड़ा ना चेंज हो रहा है। तो पहले केई निकाल लो यहां से, क्योंकि यहां पर मार्केट प्राइस मुझे मालूम थी शेयर की, यहां पर मार्केट प्राइस मुझे शेयर की मालूम थी। कितनी थी मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस क्या थी शेयर की? 500 रुपए, इस पर ट्रेड हो रहा है ना, ठीक है? यहां पर मार्केट प्राइस मेरे पास शेयर की थी 500 रुपए। यहां से केई आ जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है? उस केई से न्यू मार्केट प्राइस आ जाएगी, ये केई यहां पर आ जाएगा। तो पहले केई निकाल लो, क्या होगा? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ये तो था फार्मूला डिविडेंड यील्ड का, है ना? तो डिविडेंड कितना दे रहे थे? 75 रुपए, और मार्केट प्राइस थी 500 रुपए। कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने पैसे लगाकर? कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने पैसे लगाकर? 15% से के ई था, तो अब भी तो के ई 15% ही रहेगा, अब भी तो के ई 15% ही रहेगा, तो डिविडेंड बढ़ जाएगा, तो मार्केट प्राइस आ जाएगी। क्या होगा? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय के ई। हाँ जी, डिविडेंड पर शेयर कितना है? 77 रुपए 50 पैसे डिवाइडेड बाय के ई 15%, तो ये नई मार्केट प्राइस आ गई। 77 रुपए 50 पैसे डिवाइडेड बाय 15%, 516 रुपए 66 पैसे। बोलो क्लियर? ये आगे नई मार्केट प्राइस। चलिए अब गेन टू शेयर होल्डर, यानी शेयर होल्डर्स की वेल्थ में कितना फर्क आ रहा है? गेन टू शेयर होल्डर राइट इशू की वजह से, राइट इशू की वजह से शेयर होल्डर्स को कितना फायदा हुआ? ठीक है, राइट इशू की वजह से शेयर होल्डर्स को कितना फायदा हुआ, यही तो? हाँ जी, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हमारे कितने हैं? 7000। तो बताओ मार्केट वैल्यू क्या है? हाँ जी, बिफोर राइट शेयर, राइट इशू, इशू करने से पहले मार्केट वैल्यू 7000 शेयर है, 500 रुपए में बिक रहे हैं, 7000 शेयर है, 500 रुपए में बिक रहे हैं,
7000 शेयर हैं, 500 रुपए में बिक रहा है, तो कितना हो गया, 3 और 2 5, 35 लाख रुपए। ठीक है, चलिए मार्केट वैल्यू आफ्टर राइट शेयर बताओ, 7000 शेयर थे, 7:1:7, तो 8000 शेयर हो जाएंगे। मार्केट प्राइस कितनी हो गई, अभी तो निकाला, 8000 शेयर की मार्केट प्राइस 516 रुपए 66 पैसे, 516 रुपए 66 पैसे है ना, इंटू 8000, ये हो गई 3 और 2 5, 41 लाख, 33,333। ठीक, इसके लिए मैंने पे कितना करा था, राइट शेयर के लिए कितने पैसे पे करे, एक हजार शेयर मैंने खरीदे थे राइट शेयर, है ना, तो अमाउंट 4 लाख रुपए ही। तो भाई जो नया प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट है, समझ रहे बात को, वो राइट शेयर से इशू करा है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 1400 रुपए, तो इसका मतलब 4 लाख रुपए देकर 8000 शेयर हो गए जिसकी मार्केट वैल्यू ये है, तो नेट कितने हो गए, माइनस कर दो ना सीधे सीधे, 37,33,000, 37,33,000, 333। ठीक है, पहले थी 35 लाख, अब होगी 37 लाख, तो इसका मतलब 2,33,000, 333, ये गेन हो गया, वेल्थ, चेंज इन वेल्थ, हो गया क्लियर। चलिए नोट कर लो।